दुबई और दीगर रियासतों में बिजली या तवानाई बचाने के लिए कोई औकात कार नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से तवानाई की पैदावार यकीनी बनाई जाती है। इसके बावजूद रात भर स्टोर्स खोलने के लिए अलहदा लाइसेंस और इजाज़तनामा जारी किया जाता है जिसके लिए दुकानदारों को भारी फीस भी अदा करना पड़ती है। इसी मुतालिक मज़ीद तफसील बताएंगे जी यूनुस के नुमाइंदे सिप्ते आरिफ। जी मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत दुबई में औकात कार तो हैं लेकिन मुख्तलिफ लेयर्स हैं शॉपिंग सेंटर खुलने के, दुकानें खुलने के, रेस्टोरेंट खुलने के और मुख्तलिफ कैफेज खुलने के। यहाँ पर जो ज़रूरियात हैं तवानाई की वाफिर मकदार मौजूद है, इसलिए कोई टाइमिंग की कैद नहीं है। लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन में लाने के लिए सोसाइटी को यहाँ पर शॉप्स जो हैं वो सुबह 8 बजे से 9 बजे से खुल जाती हैं। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर भी 10 बजे से यहाँ पर काम का आगाज़ लेते हैं, 12 बजे बंद हो जाते हैं। अगर आपको टाइम एक्सटेंड कराना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पर हुकूमत की तरफ से भी, बल्दिया की तरफ से भी, और उसके बाद आपको एक परमिट जारी होता है जिसके बाद आप यहाँ पर दुकान खोल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए बड़े ज़बरदस्त पैदा किए हैं और तवानाई जो है वो वाफिर मकदार में है, इसलिए टाइमिंग का इशू नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन पैदा करने के लिए सोसाइटी में दुकानें जो हैं वो 10 बजे रात को या 12 बजे बंद कर दी जाती हैं।